इस संकट की घड़ी में स्वयंसेवी संस्थानों के अलावा कई लोगों ने असहाय लोगों के बीच राहत सामग्री वितरित कर रहे हैं, जिसमें गढ़हनी थाना प्रभारी के नेतृत्व में भी असहाय जरूरतमंद लोगों के बीच राहत सामग्री वितरित किया जा रहा है। इस संकट की घड़ी में हर कोई असहाय गरीब जरूरतमंद लोगों को हर प्रकार की सेवा करने के लिए काफी ही तत्पर दिख रहे हैं। गढ़हनी थाना प्रभारी के नेतृत्व में असहाय जरूरतमंद लोगों के बीच राहत सामग्री वितरित किया जा रहा है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि पुलिस अधीक्षक के आदेश पर भोजपुर के कई ग्रामीण क्षेत्रों में विगत कई दिनों से गरीब और असहाय लोगों के बीच राहत सामग्री वितरित किया जा रहा है। लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं, खासकर जो गरीब लोग हैं, जो डेली कमाते खाते हैं, उनकी परेशानियां काफ़ी बढ़ गई हैं। ऐसे में हमारे जिला पुलिस मुख्यालय के द्वारा गरीबों की सहायता के लिए राशन भेजा गया है और उसी राशन को हम लोग प्रत्येक गरीब जो खासकर शरीर से विकलांग है या फिर जो विडो हैं, विधवा हैं, उनको प्राथमिकता देकर पहले उनको राशन वितरित किया जा रहा है। इतना राशन है कि जिसमें एक परिवार एक सप्ताह सरवाइव कर लेगा। और समस्या थोड़ी हो रही है लॉकडाउन को लेकर, लोगों के मन में बहुत सारी आशंका है राशन को लेके, सब्जी को लेके, लेकिन बाज़ार में मैं भी घूम घूम कर पता कर रहा हूँ। अभी स्थिति यह है कि सभी सब भी ठीक है और रहेगा, और आने वाला जो 10 से 15 दिन है, 15 दिन आने वाला और 15-20 दिन ले लीजिए, हम लोगों के लिए, हमारे पूरे कंट्री के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। मेरी सभी नागरिकों से यही अपील है कि वो लॉकडाउन का, माननीय प्रधानमंत्री का जो निर्देश है, उसका अचरज पालन करें, तभी हम लोग कोरोना से जंग जीत पाएंगे। पुलिस बल के पर ही सिर्फ लॉकडाउन लागू ना हो, लोग खुद से लॉकडाउन करें, सोशल डिस्टेंसिंग लागू करें, तभी हम लोग आगे कामयाबी हासिल कर पाएंगे और इस कोरोना रूपी दानव को हरा पाएंगे।